दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा दुबई विजिट वीज़ा से जुड़े, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। एक्चुअली दोस्तों दुबई विजिट वीज़ा से ग्रेस पीरियड हटा दिया गया है। पहले 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था लेकिन अब ये उपलब्ध नहीं है। आप एक महीने का विजिट वीज़ा, दो महीने का विजिट वीज़ा, तीन महीने का विजिट वीज़ा, मतलब कोई भी विजिट वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़ा पर ग्रेस पीरियड उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग अभी दुबई में यूएई में है विजिट वीज़ा पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीज़ा ख़त्म होने से पहले अगर आपके पास एक महीने का वीज़ा है या दो महीने का वीज़ा है, मतलब 30 डेज़ का या 60 डेज़ का विजिट वीज़ा है, तो वीज़ा ख़त्म होने से पहले यूएई छोड़ दे या तो वीज़ा का स्टेटस चेंज करें। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग 10 दिन ग्रेस पीरियड के लिए वेट करते हैं। तो वेट ना करें क्योंकि अगर आप एक दिन उभास्टी हो जाएंगे दुबई में यूएई में तो आपके ऊपर एब्सकॉन्डिंग की केस लगाया जाएगा और आप पूरे गल्फ में बैन हो जाएंगे। तो इसलिए ग्रेस पीरियड के लिए वेट मत करें। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था लेकिन उस टाइम शायद दुबई में ग्रेस पीरियड उपलब्ध था, अबू धाबी में नहीं था। लेकिन अब अबू धाबी, दुबई, शारजा कहीं से भी उपलब्ध नहीं है। इमिग्रेशन ने ग्रेस पीरियड रिमूव किया है, मतलब अबू धाबी इमिग्रेशन, दुबई इमिग्रेशन, शारजा इमिग्रेशन, ऑल इमिग्रेशन ग्रेस पीरियड रिमूव किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है विजिट वीज़ा ख़त्म होने से पहले दुबई या यूएई छोड़ दे या तो अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।